दूसरे मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहां आकर अपनी बात रखने का मौका दिया। इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, आभार शुक्रिया। साथियों, अभी लगातार दौरे पे हूं, कल 1 बजे रात में मैं रायपुर से लौटा हूं और अभी एक सभा से आया हूं, एक सभा में और जाना है, तो गले की हालत जो है आपके सामने है। शिक्षक को पढ़ाता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, हिंदू कॉलेज में। वैसे तो बोलने की 1 घंटे की आदत है, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए मैं 10 मिनट, 5 से 10 मिनट आपके सामने अपनी बात रखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि तीतर बोलकर कौवा खिला दिया। अच्छे दिन आएंगे आएंगे, पता नहीं किसके ही अच्छे दिन आने वाले थे, हमें पता ही नहीं लगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आखिर हम किसी व्यक्ति की जयंती क्यों मनाते हैं? दुनिया में लाखों लोग रोज पैदा होते हैं, रोज मर जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों की जयंती हम क्यों मनाते हैं? तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है आप सबके सामने, आप सबके समक्ष, कि दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक जीते जी मरने की तैयारी करते हैं और दूसरा मर जाने के बाद जिंदा रहने की तैयारी करते हैं। एक वैसे लोग होते हैं जो रात बनकर बह जाने की तैयारी करते हैं और एक वैसे लोग होते हैं जो उस रात में वो वैचारिक तपिश रखते हैं कि जब तक ये ब्रह्मांड है और ये धरती है तब तक वो विचार आपको हर समय उद्वेलित करता रहता है। वैसे लोग, उन्हीं लोगों की जयंती हम मनाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर उसी श्रृंखला की एक कड़ी है, उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। ये श्रृंखला शुरू होती है तथागत बुद्ध के जन्म से। संत रविदास कवि, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज, अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम, सब उसी परंपरा की कड़ी है। साथियों, इतिहास का छात्र हूं तो मैं ज्यादा प्रतीकों में नहीं रहता, फैक्ट पर बात करता था कि मेरी नजर में जयंती मनाने का तो मतलब यही है कि डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो पूजो नहीं। गले में माला और विचारों पर ताला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आजकल आप देख रहे हैं भाई, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में इतनी ऊर्जा है, इतनी उष्मा है, इतनी तपिश है कि उनके घोर शत्रु भी आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कारण नहीं कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, तो सिर्फ जयंती ही नहीं मना रहे हैं, वो बाबा साहब का कलर ही बदल रहे हैं, कलर ही बदल रहे हैं। तो ये मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं। इतिहास में कहावत हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं तो उसमें बात सबसे पहली बात जो सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि किसी व्यक्ति के विचारों की प्रासंगिकता को खत्म करना है, किसी समाज को खत्म करना है, तो सबसे पहला काम यह है कि उसको नजरअंदाज करते, इग्नोर करते। इसीलिए हमारे इतिहास में लोगों ने नजरअंदाज करके
एक योद्धाओं का इतिहास, विजेताओं का इतिहास, उसको नजरअंदाज करके हमारे इतिहास को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती उनके शत्रु भी मना रहे हैं, वैसे लोग भी मना रहे हैं जिनका वस्त्र ले तो उस विचारों को दफन कर दे, यही डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की जीत। इसके लिए आप सबको बधाई। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि परिवर्तन होता नहीं है, परिवर्तन लाना पड़ता है। बदलाव होता नहीं है, लाना पड़ता है। बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष यह बात उन्होंने कहा था कि महान से महान व्यक्तियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने में न चुके, खूब श्रद्धा सुमन अर्पित करें, खूब उनको इज्जत दें, उनके जयंती मनाएं, लेकिन इतना न करें कि वो भक्ति में तब्दील हो जाए, कि भक्ति धर्म में तो मुक्ति का मार्ग हो सकता लेकिन राजनीति में मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता है। और अंततः वो तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग है। आज कल अपने आस पड़ोस देखिए, भक्ति का बहुत मार्केटिंग हो रहा है, भक्ति का प्रचलन हो रहा है। क्यों? मैं तो अभी मैं नहीं कह सकता कि मैं अंबेडकरवादी हो गया हूं, क्योंकि मेरी मान्यता है कि अंबेडकर को पढ़े बगैर, बाबा साहब को पढ़े बगैर कोई अंबेडकरवादी नहीं बन सकता है। और चूंकि मैं अभी पढ़ रहा हूं, पूरा पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जितना पढ़ता हूं वो आर्टिकल नहीं लिख रहा है, खाली सेमिनार में नहीं बोल रहा हूं, आपके बीच आकर, समाज में जाकर, गांव कस्बों में जाकर, देश के विभिन्न शहरों में जाकर मैं अपनी बात, डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात आपके बीच जरूर लेकर जाता हूं। तो यह सवाल कि संविधान बना और संविधान को लागे हुए 70 साल हो गए, संविधान को समझने के लिए वकील लोग यहां बहुत सारे साथी होंगे और न्यायविद, लेकिन एक आम आदमी संविधान की प्रस्तावना से ही संविधान को समझता है। संविधान की प्रस्तावना में क्या है? 4 मूल बातें हैं, समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता। क्या ये मिला हमें 70 साल बाद? नहीं मिला। तो पूछो इस देश के हुक्मरानों से और इस देश के नेताओं से और अपने नेताओं से भी पूछो। ये बाबा साहब ने हमें सिखलाया है कि एक जीवंत समाज और एक जीवंत व्यक्ति वही हो सकता है जिसमें लगातार सवाल पूछने की आदत हो। तो पूछो अपने नेताओं से और इस देश के हुक्मरानों से कि समता है क्या, बंधुता है क्या, न्याय मिला क्या, स्वतंत्रता है क्या, तो गले में माला और विचारों पर ताला नहीं चलेगा। आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती आप मना रहे हैं, मान्यवर मनाइए, लेकिन इंश्योर कीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर के लिटरेचर घर घर में विभिन्न भाषाओं में पहुंचे, उनके सपनों का भारत बनाने का प्रयास कीजिए। ये सवाल आपको पूछना है, चुनाव आ रहा है अभी 19 में, उनसे पूछिए कि आजादी के 70 साल बाद ऊना क्यों हो रहा है, सहारनपुर क्यों हो रहा है, आसिफा क्यों हो रहा है,
नजीब क्यों हो रहा है, रोहित मामूला क्यों हो रहा है। आबादी का 40% भाग गरीबी रेखा के नीचे क्यों है। संविधान में तो समता की बात हुई थी, अडानी अंबानी के पास लाखों करोड़ रुपए क्यों है, ये सवाल आप पूछिए। क्यों दलित आदिवासी पिछड़ों महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, क्यों बलात्कार हो रहा है, क्यों मुसलमान आतंक के साय में है, क्यों आदिवासियों को नक्सल बताकर मारा जा रहा है, ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। ये सवाल अगर आप नहीं पूछेंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर ने ही कहा था, मैं थोड़ी कह रहा कि शिक्षित कौन है। शिक्षित वही है जो अपने शत्रु को पहचानता है, अन्यथा साक्षर है। एक प्रोफेसर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक सब कुछ, वो साक्षर हो सकता है, शिक्षित नहीं हो सकता है। शिक्षित को तो अपने शत्रु को पहचानना चाहिए कि हमारा शत्रु कौन है, वैचारिक शत्रु कौन है, सांस्कृतिक शत्रु कौन है, राजनीतिक शत्रु कौन है, ये पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। तो इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा पे बल दिया था, शिक्षा पे, शिक्षित बनो। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा डिग्री नहीं है मान्यो, पीएचडी करके प्रोफेसर बनना शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करता हो, यह है शिक्षा। शिक्षा वह है जो गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए आपको दृष्टि देता है, वह है शिक्षा। यह नौकरी करने का साधन नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ने वैसे ही लोगों को कहा था आगरा के भाषण में कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। लेकिन एक बात मैं जरूर इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर को पढ़े लिखे लोगों ने जिंदा रखा, ये भी आपको याद रखना कि जिन पढ़े लिखे लोगों की वो बात कर रहे थे, जाहिर है सब लोग पढ़ लिख के डिग्री लिए, नौकरी किए और सोफा, मोटे मोटे सोफे में इतने धस गए उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। तो मैं कह रहा हूं अपने घर में आप तख्ती वाला बेंच रखिएगा, ज्यादा मोटा सोफा नहीं रखिएगा, कि आपको जगह रहना है, जगह रहना है। इस देश में आरक्षण की समीक्षा हो गई, खत्म हो गया। आवाज निजीकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं कहा। डॉक्टर अंबेडकर का 12 मार्च 1927 का बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली का भाषण आप जरूर पढ़िए कि शिक्षा के ऊपर उन्होंने क्या कहा था, आपको पढ़ना चाहिए। मैं देखता हूं हमारे साथी व्हाट्सएप पे चलाते रहते हैं, सब सोशल मीडिया में, कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। लेकिन ये बात आप नहीं जानते हैं कि जो शिक्षा आप ले रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ाया जा रहा है आपको, वो मिलावटी दूध है, वो शेरनी का दूध नहीं है। जाकर अपना सिलेबस देख लीजिए। तो खाली डायलॉग मारने से नहीं चलेगा कि शेरनी का दूध है अब पी लेंगे। जो पी रहे हैं वो पॉलिथीन वाला दूध है कि गाय का दूध है, ये भैंस का दूध है, कि आजकल वो शैंपू से भी दूध बन रहा है, वो वाला दूध है, एक बार चेक तो कर लो कम से कम। ये जरूरी बात है कि शिक्षा वाकई शेरनी का दूध है। लेकिन आपको 70 साल में, आप पिछले 4 साल में खास तौर से जो दूध पिलाया गया है वो मिलावटी दूध है। मैं जिन सभा में जाता हूं, ये बौद्धों की सभा है, पढ़े लिखे लोगों की सभा है, मैं जाता हूं तो अक्सर लोग कहते हैं कि हम भारत के मूल निवासी हैं, हम भारत के शासक हैं। तो एक सवाल पलट के हम पूछ लेते हैं भाई कि कितने आप में से लोग हैं जो अपने बच्चों को शासक बनाना चाहते हैं, हाथ उठाइए। कभी मैंने रायपुर में पूछा था कि कितने लोग हैं कि अपने बच्चों को आंदोलनकारी बनाना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को भीमराव अंबेडकर बनाना चाहते हैं,
तो दो चार हाथ उठता है, बाकी सब हाथ नीचे ही रहता है। यही अंबेडकर पढ़ा हमने कि भगत सिंह और अंबेडकर पड़ोसी के घर में हो और हमारे घर में मैनेजमेंट गुरु हो, ऐसे कैसे चले। हम लोग पढ़े लिखे लोग और ये जो संघर्ष है ये वैचारिक संघर्ष है। और विचार कहां से आता है? विचार आता है उच्च शिक्षा से। ये वैचारिक ब्राह्मणवाद एक विचार है, बौद्ध धर्म एक विचार है, मनोवाद एक विचार है, अंबेडकरवाद एक विचार है। तो ये विचार कहां से आएगा? डिग्री लेने से आएगा क्या? डॉक्टर अंबेडकर अगर यहीं पढ़ते होते तो वो लड़ाई लड़ते जो हम लोग के शर्ट के इतने बढ़िया बढ़िया कलर दिख रहे हैं, सफेद है, हम मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हैं, वो अमेरिका में नहीं पढ़ते, इंग्लैंड में नहीं पढ़ते, तो उनकी जो वैचारिक धार थी वो आती क्या? यहाँ का दूध तो मिलावटी था। तो मैं आपसे इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि जितने पढ़े लिखे लोग पहली दूसरी पीढ़ी के हो गए, अपने बच्चों को विचारक बनाइए। इस देश में अभी एक दो नहीं 1000 डॉक्टर अंबेडकर की जरूरत है, 10000 डॉक्टर कांशीराम जी की जरूरत है। ये बात समझिए यार, इंजीनियर डॉक्टर खाली बना लेंगे, आप बोलेंगे कि देश के शासक है तो नहीं बन पाइएगा, सॉरी। अपने बच्चों को भेजिए बाहर विदेश पढ़ने के लिए। एक डॉक्टर अंबेडकर विदेश पढ़ के आए तो पूरी व्यवस्था को घुटने टिका दी, और हम लोग तो सब ठीक ठाक लोग हैं। और मैं आपके सामने इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं जो कहता हूं वही करता हूं। और YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने अपने बच्चों को कहा है कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, अपने बच्चों को इंडस्ट्रीज बनाओ, CA बनाओ, वकील बनाओ, पत्रकार बनाओ, विद्वान बनाओ, इंटेलेक्चुअल बनाओ, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके उसको विदेश भेजो पढ़ने के लिए, क्योंकि यहां पढ़ेगा नौकरी करेगा बेचारा 60 साल तक तो रिटायर जब तक नहीं होगा। तो उनकी भी मजबूरी है कि जो लोग रिटायरमेंट के बाद इतनी ऊर्जा नहीं रह जाती है कि वो जाकर समाज में क्रांति करेंगे। हमें तो 25 साल का चाहिए आदमी, ये 25 साल का आदमी चाहिए जो वैचारिक क्रांति इस देश में कर सके। साथियों अंतिम एक बात कहना चाहता कि जब हमारे पढ़ने की बारी आई, जब सरकारी स्कूल में बड़े साहब को बच्चों को पढ़ना था तो सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया था, जब हमारे पढ़ने की बारी आई तो स्लेट छीन लिया और प्लेट पकड़ा दिया। जब कॉलेज में पढ़ने की बारी नहीं, मिड डे मील खाओ, मिड डे मील खाओ, तो उसमें सारे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ते हैं। जब हमारे पढ़ने की बारी आई तो मैसिव प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मैसिव। निजी स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं, सरकारी विश्वविद्यालय कॉलेजों को मारा जा रहा है। और जब पढ़ाने की बारी आई तो विश्वविद्यालय से रोस्टर खत्म किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के ट्राइबल यूनिवर्सिटी का एडवर्टीजमेंट आया है, 52 सीट में से 20 होने चाहिए थे रिजर्व SC ST OBC के, उसमें सिर्फ एक रिजर्व है। तो ये समझिए कि विश्वविद्यालय में हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता जो लड़ रहे हैं, असली लड़ाई तो विश्वविद्यालयों में हो रही है, वहां वैचारिक लड़ाई हो रही है। इसलिए रोहित बमूला हो रहा है, हमें झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, हमारे ऊपर हमले हो। आप लोग समझते हो कि विश्वविद्यालय क्या चीज है? अरे विश्वविद्यालय बना है विश्व सबसे, दुनिया की तमाम जगह की विचारधाराएं आती हैं और जाती हैं। और जब हमारे दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक और आदिवासियों ने पढ़ के आपके व्यवस्था पर सवाल खड़े करने शुरू किए, तब आपने विश्वविद्यालय को मारना शुरू कर दिया। इसलिए साथियों इस मंच से मैं दो ही प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे पीठ पर डंडे इसलिए पड़ रहे हैं कि हमने अपने संस्थाओं का निर्माण नहीं किया। अगर हमारे बौद्ध मठ के भंते और भिक्षु घर घर घूम के प्रचार करते होते बौद्ध धर्म का, आज आज बौद्ध धर्म कहां से कहां पहुंच गया होता। हमारे शत्रु गांव के घर घर में पहुंच गए हैं, घर घर में पहुंच गए हैं, अब पूजा पाठ करते हैं, करवा चौथ करते हैं। तो हमने संस्थाएं नहीं बनाई, नंबर एक।
तो हमें इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, 5,000 रुपए चंदा मेरी ओर से भी शकुन जी लिख लीजिए और 1,000 आदमी इकट्ठा कीजिए जितना हो सके, 5 से 10 हजार चंदा लीजिए और कुछ नहीं 4 स्कूल खोलिए। ज्योतिबा फुले, बाबा ज्योतिबा फुले और माता फुले ने स्कूल खोले थे, क्योंकि स्कूल अपने होंगे, कॉलेज अपने होंगे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए नेता हमें तैयार करना है और इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ खड़ा रहूंगा। अरे नेता एमएलए एमपी तो एक दिन आता है जाता है, कौन पूछता है। तो महान आदमी बनने की वैकेंसी खाली रहती है, तो जिन जिन को महान आदमी बनना है, मरने के बाद जिंदा रहना है, उनको ये तैयारी करनी पड़ेगी, स्कूल खोलने पड़ेंगे कि स्कूल कॉलेज खोलिए, नहीं खोलेंगे तो आप नहीं बच सकते हैं, ये आप मान लीजिए। दूसरा, जो लोग सक्षम लोग हैं सरकारी नौकरी से अपने बच्चों को बाहर निकाले और उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजिए, यही 2 प्रस्ताव के साथ। और तीसरा प्रस्ताव यह है कि जो आपके राजनीतिक शत्रु हैं, 2019 का चुनाव आ रहा है, एक मुस्त होकर आंख बंद करके आपसी मतभेद भुलाकर उनको शिकस्त कीजिए, उनको पराजय कीजिए, तभी आप बच सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, कुछ अगर खतरे में है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में है। थैंक यू, शुक्रिया।